हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अनुपम जी टेक्निकल। और इस वीडियो में हम चैप्टर टू इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एमएस वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इट हैज़ बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए। देखिए, ये ओवरऑल जो पैराग्राफ है, जो जो सेंटेंस अभी हमने आपने देखे आपके चैप्टर टू में, इसमें बेसिकली दो तीन चीज़ें हैं जो जरूरी हैं कि आसानी से समझी जाए। आपने नोटिस किया होगा कि एम एस वर्ड, एवरी वन नो व्हाट इज वर्ड, यू नो, इंट्रोडक्शन परिचय। इंट्रोडक्शन का हिंदी होता परिचय, सभी जानते हैं परिचय, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ये एक वर्ड, ये भी एक वर्ड ही है, ठीक है। यहाँ वर्ड खुद में एक वर्ड है, बट एमएस स्टूडेंट, आपको ये जानने का मन कर रहा होगा या आप जानना चाहते होंगे कि ये एमएस क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब। तो एम एस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, इसको यहां पे लिख लेते हैं, एम एस शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट फॉर्म है एम एस वर्ड। अब देखिए, दूसरा जो सेंटेंस यहां पे लिखा है, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज MS mean Microsoft. MS mean Microsoft. Word, you know what is word. Like processing, software, introduction, chapter, event chapter. These are words. इस first paragraph में आपको जानने में interest होगा कि word processing क्या है और software क्या है। दो difficult शब्द जो मुझे लगे, शायद आपको भी ये समझना जरूरी होगा कि व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग एंड व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्टवेयर। सो लेट्स गेट स्टार्ट एंड नो व्हाट इज वर्ड एंड व्हाट इज प्रोसेसिंग। देयर इज टू वर्ड बेसिकली। वर्ड यू ऑलरेडी नो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रोसेसिंग। तो इसको प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, या कि इसको समझना प्रोसेसिंग है क्या, शब्द वर्ड के प्रोसेसिंग क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम अपने कंप्यूटर में एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे और फिर प्रैक्टिकली समझेंगे कि एमएस वर्ड है क्या। ये है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक फाइल, और इसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट, इसको मैंने पहले से लिखा था, आप भी आसानी से लिखना सीखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ समझेंगे। ये पूरा एमएस वर्ड है, यहाँ पे क्या चीजें कहाँ हैं, कैसे हैं, इनको क्या बोलते हैं, सभी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपके इसी चैप्टर में सीखेंगे। सो जैसे यहाँ पे लिखा है संस्कार शिक्षा निकेतन, ये वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड कह सकते हैं, ये आपके स्कूल का नाम भी है। अब ये लिखा है, इसको जस्ट प्रोसेस करना है, वर्ड है और इनको प्रोसेसिंग, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसिंग। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, जैसे हमने ये शुरू के तीन वर्ड संस्कार शिक्षा निकेतन को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम चाहते हैं कि इसका कलर, बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक कलर है और हम इसको चाहते हैं कि ये रेड हो जाए, तो हम इसको ये रेड चूज कर लेते हैं। और आप डिफरेंस आप देख सकते हैं कि फर्स्ट तीन अक्षर रेड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया ये प्रोसेस हो गए, ये चेंज हो गए। टू चेंजिंग ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। लेट्स डू अनदर थिंग, ये बाई डिफॉल्ट ब्लैक है, हम इसको यहाँ जाके लेट्स सी ग्रीन कर लेते हैं,
और इसमें और भी कुछ चेंजेस करते हैं, जैसे इसको बोल्ड करते हैं, तो यहाँ पे बी बोल्ड का बटन है, बोल्ड करेंगे। अब आप अंतर देख सकते हैं, ये वर्ड और ये वर्ड थिक है और ये थिन है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप इजीली अंडरस्टैंड, आप नोटिस कर सकते हैं कि इन इस वर्ड में और इस वर्ड में अंतर है। तो ये सब चेंजेस करना किसके माध्यम से, पूरा एमएस वर्ड के माध्यम से, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के माध्यम से चेंजिंग करना कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें और भी कुछ चीज़ें हम चेंज करके देखते हैं, जैसे इसको बोल्ड कर लिया, और इसको बोल्ड तो ऑलरेडी हम सीख गए हैं, इसको इटैलिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका थोड़ी कलर चेंज कर लेते हैं, तो आसानी से ये दिखेगा, ये आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये इटैलिक, जैसे आप कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं कुछ उस तरह का ये कंप्यूटर से लिखा गया। ये कहता है वर्ड को इटैलिक फॉर्मेट में लाना। अभी नेक्स्ट फॉर्मेट, यदि हम यहाँ पे यू करके ये बटन है, इसको यदि क्लिक करें तो ये देख सकते हैं ये डिफरेंट कलर है, इसका थिकनेस कम या ज़्यादा है, इसका बैकग्राउंड भी चेंज है, और ये कर्सिव टाइप राइटिंग इटैलिक फॉर्मेट कंप्यूटर में बोलते हैं, इटैलिक फॉर्मेट में लिखा है, और इस संस्कार शिक्षा निकेतन वर्ड के सामने नीचे लाइन बना है, इसको अंडरलाइन बोलते हैं कंप्यूटर में। और ये पूरी प्रोसेस, इसका कलर चेंज कर देना, इसका मोटाई बदल देना, इसका थिकनेस चेंज कर देना, इसका बैकग्राउंड चेंज कर देना, और इसको इटैलिक फॉर्मेट में कर देना, इसके नीचे इन तीन शब्दों के नीचे अंडरलाइन डाल देना, ये कहलाती है प्रोसेसिंग ऑफ वर्ड, शब्दों की प्रोसेसिंग। वो किसके द्वारा संभव है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर वर्ड, एमएस वर्ड। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आप आसानी से समझ गए होंगे। सो वर्ड प्रोसेसिंग, आई होप दीज थिंग्स आर इजी टू अंडरस्टैंड। सो अब दूसरा शब्द है सॉफ्टवेयर। वैसे तो आप समझ गए होंगे, कई बारी सॉफ्टवेयर शब्द का यूज किया है, पर यदि पर्टिकुलरली इसके डेफिनेशन की बात करें, तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर इज अ सिंगल या कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। देखिए, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में एक या एक से अधिक प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो होते हैं, यदि आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट है और आगे कंप्यूटर सीखेंगे, तो आप खुद भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन होता है, एक सॉफ्टवेयर बनता है जो एक निश्चित कार्य करता है। जैसे एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, वो शब्दों में, पैराग्राफ में, डॉक्यूमेंट में डिफरेंट चेंजेस करके अपने अकॉर्डिंग, लाइक स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग, टीचर अपने अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर। जिसके माध्यम से, सॉफ्टवेयर होता क्या है? बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक कलेक्शन, आसान भाषा में कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब एक और भी शब्द लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए। यदि इन चीज़ों में आपको जानना पसंद करेंगे, तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पहले भी बताया है, दोबारा एक बार और बता देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लाइक आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, ये भी एक सॉफ्टवेयर है, और माइक्रोसॉफ्ट भी एक सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी हुई, और इसके द्वारा बनाया गया एक प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। कॉरपोरेशन यूएसए, कॉरपोरेशन उद्योग के लिए लिखा है, यूएसए मीन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ये
इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। बेसिकली ये अमेरिकन कंपनी है, जैसे कि इंडियन कंपनी टाटा ग्रुप, जियो, विप्रो, हीरो मोटर्स, वैसे ही अमेरिकन एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ।